हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने जा रहा है हमारा फॉग लाइट से कंपैरिजन के ऊपर। और हमारे लेफ्ट में जो है वो है बेलिनोर, उसके अंदर हमने लगाए हैं अभी वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट फॉग लैंप्स। और यहाँ पे इसकी जस्ट पुराने वाले फॉग लैंप्स हैं। इसका जो है मॉन्स्टर विजन नाम से प्रमोशन हो रहा है अभी, और वाकई में ये मॉन्स्टर विजन है इसका। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर हमको कंप्लीट असेंबली मिलती है। हालांकि अगर बात करते हैं नेक्सॉन में जो हमने इंस्टॉल किए थे, इसके अंदर एक दो पार्ट अलग अलग हैं। एक आईपीएस का प्रोजेक्टर है, उसके साथ में एचआईडी है। दोनों ही क्रिस्टलाइज़ प्रोडक्ट्स हैं, बस इसके अंदर जो प्रोजेक्टर है वो आईपीएस कंपनी का है, वो क्रिस्टलाइज़ का नहीं है। इसके अंदर कंप्लीट असेंबली है एलईडी के साथ में, जो कि कंप्लीट पूरी असेंबली हमको क्रिस्टलाइज़ की ही मिलती है। इसके अंदर हमको कॉम्बिनेशन मिलता है उसके बाद में भी, लेज़र का और मतलब स्पॉट लाइट का और फ्लड लाइट का हमको कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसके अंदर हमको मिलती है सिर्फ और सिर्फ फ्लड लाइट। दोनों ही फॉग लाइट्स हैं वो हैं बायजिनॉन, और बायजिनॉन का मतलब होता है लो हाई बीम दोनों हैं। इसके अंदर लो हाई बीम दोनों हैं, इसके अंदर लो हाई बीम दोनों हैं, प्लस हाई बीम अलग से है। आपको मैं नज़दीकी तक दिखा देता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ पुराने वाली जनरेशन जो हमारी इसके अंदर नेक्सॉन में लगी हुई है। और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको कंपैरिजन बताऊंगा विद प्रूफ, तो फालतू वाला वो नहीं रहेगा कि बोलने बोलने वाली चीज़, विद प्रूफ बताऊंगा आपको। दिख रहा होगा इसका एक अलग ही कटआउट हमको मिला हुआ है, ये एक्स्ट्रा हमको हाई बीम के लिए मिलता है यहाँ पे, जो मिलती है स्पॉट लाइट दूर के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेज़र लाइट। और एक चीज़ और है जो कि दिखने में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। पहले जो हमको ये मिलती थी इसकी साइड के अंदर, ये हमको सिल्वर मिलती थी, जो कि आपको दिख रहा होगा क्रोम टाइप की, सिल्वर टाइप की अपन बोल सकते हैं। और अब ये है प्रॉपर ब्लैक आ गया, क्योंकि फॉग लैंप के अंदर यूजुअली हर गाड़ी के अंदर हमको ब्लैक ही ये मिलता है जो कवर होता है, तो ये इसके साथ पूरा प्रॉपरली मैच भी करता है। और इसके अंदर देखोगे आपको हल्का सा अपने को थोड़ा अलग दिखता है। तो अब आती है बात प्रूफ करके दिखाने की, कौन सी लाइट कितनी ब्राइटेस्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने फ़ोन से प्रॉपर आपको दिखाएंगे, ल्यूमिन चेक करवाएंगे, जैसे कि पहले ही वीडियो में हमने करवा चुके हैं आपको ल्यूमिन चेक। तो फटाफट सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमको सिर्फ वॉटेज से बताते हैं कि कितनी ब्राइट होगी, बट वॉटेज से आप कभी भी चेक नहीं कर सकते कि वॉटेज सिर्फ और सिर्फ उस जो कितना कंजप्शन है उसका वो बताता है। जैसे मान लीजिए 55 वॉट की है, ये 55 वॉट की है, बट जरूरी दोनों का आउटपुट सेम हो। मेन जो अपन को डिफरेंस देखना होता है वो होता है लक्स में या ल्यूमेन में। लाइट की ब्राइटनेस चेक करने के लिए हमको लक्स जो है वो पता होना चाहिए, ल्यूमेन पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कितनी ब्राइट है, कौन सी ब्राइट है। तो वो टेस्ट करने वाले अभी अपन। अभी अपने नेक्सॉन की लाइट के ऊपर कपड़े रख दिए हैं ऊपर वाले लाइट के ऊपर, ताकि आपको उसका फोकस नहीं दिखे। और तो अभी फॉग लैंप ऑन करते हैं हम नेक्सॉन के। तो अभी एच आई डी से थोड़ा टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में, और एलईडी के अंदर बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं है, जो 0.2 सेकंड का बोलते हैं, एक दो सेकंड तो लग जाती है पूरी ब्राइटनेस होने में। तो अभी हम चेक करने वाले इससे, तो अभी हम इसको सेट करते हैं, इसको हाई बीम करते हैं। पहले हाई बीम करना, तो ये इसका हाई बीम है, ठीक है। एक डी आर एल दिख रही है, काम दोनों कर रही है, बट वो कपड़े की वजह से नहीं दिख रही है। तो इसका हम ब्राइटेस्ट पॉइंट देखेंगे, और हमने अभी ये जगह ले ली है, ठीक है ना, एक बहुत खतरनाक चीज़ हमने रख दी है जो कि अखबार ही है। इसी पॉइंट पर हम नेक्सॉन में देखेंगे, और इसी पॉइंट पर हम बैलनो के अंदर चेक करने वाले। तो मैंने अभी इसका ब्राइटेस्ट जगह आप पे आ चुका हूँ मैं, तो कितना लक्स आ रहा है देखो, 1092 लक्स के नियर आ रहा है। देखो मैं उधर दिखा भी देता हूँ आपको, 1100 के भी नियर भी जा रहा है, बाकी उधर जाएंगे तो कम हो जाएगा। 1100 के नियर आ रहा है, और इधर जाएंगे तो भी कम हो जाएगा। तीसरे फॉग लैंप ऑन थे, वापस दिखाना फुल बीम करके। हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप्स ही ऑन थे अपने इसके। अब चेक करते हैं ड्राइवर के पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे बस ड्राइवर बैठता है और वहीं से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या आउटपुट दिख रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप्स ऑन है, और फॉग लैंप का ही हाई बीम देख लूँ नेक्सॉन का। तो हाई बीम कुछ इस तरीके से, अब इसमें स्पॉट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हमको फ्लड लाइट मिल रही है। आप देखोगे आगे तो वहाँ पे काला ही पड़ा हुआ है अभी, लेकिन वाइड जो है वो बहुत अच्छा है इसका। अब चेक करते हैं बेलनों के अंदर। अब हम आ चुके हैं बेलनों के ऊपर, और बेलनों के आपको दिख रहा होगा हमने वापस से वो कपड़े वाली चीज़ कर दी है, ताकि ऊपर वाली हाई बीम का कोई भी अफेक्ट हमको लाइट में ना दिखे, ल्यूमिन में कोई डिफरेंस ना दिखे। अब मैं आपको बता रहा था जो एलईडी की क्विक स्टार्ट वाली चीज़, वो अब देखते हैं फॉग लैंप ऑन करना। तो डायरेक्ट ऑन होते हैं क्योंकि एलईडीज हैं, तो एलईडी में कोई बूट टाइम नहीं होता है, जबकि एचआईडी के अंदर बूट टाइम था, हमको देखने को मिला था उस टाइम पे। अब चेक करते हैं इसकी ब्राइटनेस, पहले इसको हाई बीम पे करवा लेते हैं। हाई बीम पे करना, ये इसकी हाई बीम हो गई है। हाई बीम इसके अंदर देखने का जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो अलग से हमको एक मार्क डिनोट हो गया, और आप यहीं से आप इसका ना प्रॉपर मार्किंग करके और इसकी सेटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो फॉग लैंप है वो बिल्कुल प्रॉपर बीम बना रहे कि नहीं बना रहे, क्योंकि आपको दोनों को मैच तो करवाना ही होता है इनकी बीम को। अगर बीम मैच नहीं करवाओगे तो फ्रंट में हमको लो बीम करना, तो ये अपने को बराबर कटआउट नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे मिलेगा, तो ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। अभी देखो ब्लू कलर लाइट कितनी गजब दिख रही है, और कुत्ते पे भी ब्लू लाइट ऊपर दिख रही है। तो टेस्टिंग के लिए फुल बीम ऑन करवा लेते हैं, फुल बीम ऑन कर दो, और अब चेक करते हैं वापस से हमारे इसी के अंदर हमारा वो मार्क ये रहा। तो मैंने इसका ब्राइटेस्ट पॉइंट पकड़ लिया है, वापस से प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। ये रहा अपना वो मार्क, और ये रहा अपना फ़ोन। तो एक बार आप देखो इसका जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है वो है
2100 और देखते हैं 2200 जाता है क्या, तो ये 2200 समथिंग आ रहा है। तो पहले आ रहा था 1100 नेक्सॉन के अंदर और अब हमको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट 2200, मतलब ऑलमोस्ट क्या डायरेक्टली डबल। इतना फ़र्क आ गया है पुराने वाले HID वाले प्रोजेक्टर्स के अंदर और अब वाले नई वाली जो क्रिस्टलाई का पूरा सेटअप आया ना इसके अंदर, और प्राइस में डिफरेंस क्या है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का। तो अभी है सिर्फ और सिर्फ बेलनो की हमारी फॉग लाइट्स ऑन और उसका भी लो बीम ऑन। इसका बीम देखो कितना परफेक्ट आ रहा है, लाइन जो है वो ब्लू वाली बहुत ही परफेक्ट आ रही है, और हालांकि दोनों ही प्रोजेक्टर्स हैं बट इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, इसकी जो आउटपुट दिख रहा है बहुत ही गजब दिख रहा है हमको, जो कि हमने लेटेस्ट लॉन्च वाला जो आइटम लगाया है अभी इसके अंदर। और इसकी एक बार हाई बीम चेक करते हैं, हाई बीम करना। तो इसकी हाई बीम देखो पूरी प्रॉपर स्पॉटलाइट की तरह जा रही है, हालांकि नेक्सॉन के अंदर हमको मिल रही थी वो मिल रही थी फ्लड लाइट, जिसके अंदर हमको यहाँ तक भी पड़ रही थी। इसकी देखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ पड़ रही है, बिल्कुल बीच में। बंद करना, ऑन करना फुल बीम देखो, और आपको देखोगे तो दूर तक का विजिबल हो जाएगा। तो ये हाईवे के हिसाब से या ऑफ रोडिंग वाली जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं होती गांव वगैरह के अंदर, वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है, और सच में आपको दिख ही रहा होगा। और अपन ने ल्यूमिन लक्स भी चेक कर लिए, लक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, और आप वापस से एक बार देख लो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉग लाइट्स ही ऑन है। और इस फॉग लाइट को का नाम क्रिस्टलाई मॉन्स्टर विजन नाम है इसका, और ये LED का कॉम्बिनेशन है, इसमें HID कहीं भी इंस्टॉल कहीं भी लगी नहीं। अपन ने प्रॉपर लक्स और ल्यूमिन से चेक कर ही लिया है कि हम जो मॉन्स्टर विजन है उसकी लाइट डबल ही है। अब आपको चेक थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर ISO वगैरह को सेट करके कि बीम किसकी हमको प्रॉपर मिल रही है, लाइट किसकी ज़्यादा दिख रही है, और क्या है रियल लाइफ के अंदर क्या कितना फर्क दिखता है। तो अब आपको रियल लाइफ की ब्राइटनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नेक्सॉन, ये था कुछ डिफरेंस इसका। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, चेक करके बता दिया, एक रियल लाइफ में बताने की कोशिश भी की ISO वगैरह सेट करके, और सीधी सी बात है हमको परफॉर्मेंस जो है नए वाले इस चीज़ की बहुत अच्छी लगी। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखो 2000 रुपये की प्राइस का डिफरेंस है। वैसे इसकी सारी डिटेल मैंने पुरानी वाली वीडियो के अंदर डाल रखी है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। कहाँ से खरीदनी है हर चीज़ आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सब मैंने वीडियो में बता दिया, आप जाके चेकआउट करो उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिली जाएगी। तो इसके अंदर ये वाली जो है बिल्कुल लेटेस्ट फॉग लाइट है, सिर्फ 5 वॉट का डिफरेंस है। इसमें 55 वॉट की HID है, इसके अंदर 60 वॉट की LED है एक साइड की, और इफिशियंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतना बढ़ चुकी है इफिशियंसी की, आउटपुट आपने देख लिया होगा। दोस्तों ये था वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट में जाके बताना वो कैसी लगी लाइट और कैसा लगा कंपैरिजन। थोड़ी सी एफर्ट तो लगता है, पर आप अगर कमेंट में जाके बताए तो कि अच्छा कंपैरिजन था, आपने प्रॉपरली किया, तो यार दिल खुश हो जाता है। और सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में दोस्तों साथ में शेयर करना, जिनके पास में गाड़ी है जो अपग्रेड करना चाहते हो लाइट को, तो उनके साथ में शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।